ये किसान क्राफ्ट का 200P मॉडल का मशीन है। इसका ऑयल लीकेज जो प्रॉब्लम आता है, इसका ऑयल लीकेज का ये प्रॉब्लम आज सॉल्व करने वाला हूँ हम। तो इसका प्रॉब्लम एक्चुअली हुआ था, ये नीचे वाला जो बेयरिंग होता है इधर का, वो टूटा हुआ था। ये देखो ये बेयरिंग है, ये टूटा हुआ बेयरिंग, ये निकला हुआ है। तो इसकी जगह ये रिप्लेस किया है नया बेयरिंग, ये ऊपर वाला भी रिप्लेस किया है। ये देखो ये बेयरिंग, तो अब इसको लॉक किया है, ये जो ऊपर का रिंग है ये लॉक रिंग है इसका, तो इसको बिठा दिया है। अभी ये ऑयल सील लगा लेंगे इसको, ऑयल सील लगा के इसको पैक कर देंगे इधर से। ये ऑयल सील से पैक किया इधर, और नीचे की तरफ भी एक ऑयल सील रहता है। ये पुराना ऑयल सील अच्छा था इसका, तो हमने नया नहीं वही बिठाया है। थोड़ा ख़राब है ये भी, लेकिन चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको यहाँ से बिठाना पड़ता है, ऐसा खींच के थोड़ा इसको ऐसे। रॉड की मदद से इसको ऐसे ये हो गया। तो उसके ऊपर ये कवर लगता है, मेटल का कवर है, ऐसे लगाना इसको। तो ये स्क्रू है इसका, दोन्ही व्हिडिओ पाहिजे आपल्याला जरा दम टाकला परत त्याला बोल द्यायचं म्हणजे सांग Thank you.
अभी ऑयल भरेंगे, ऑयल डालेंगे तो अभी इसमें ऑयल फिल करेंगे हम। तो यहाँ से ऑयल डालते हैं, नंबर का गियर ऑयल। एक लीटर 500 ml ऑयल लगता है इसमें। अभी ऑयल डाला हुआ है तो लीकेज चेक करेंगे। अभी यहाँ ऑयल लीक नहीं हो रहा है तो नया सिलेंडर आ रहा है इसलिए।